जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आपका सदा भला हो। दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने श्रीमद् भगवद गीता के इन 61 बहुमूल्य विचारों को जानने और समझने का निर्णय लिया है। ये निर्णय न केवल आपके विचारों में बदलाव लाएगा, बल्कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक शांत मन से देखेंगे और श्री कृष्ण के इन दिव्य संदेशों को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो निश्चय ही आप अपने जीवन में हर संकट को पार कर सुख, शांति और संतोष को महसूस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले सलीम ललानी जी और उनकी बेटी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे वीडियो पर लगभग $25 का सुपर थैंक्स दिया। आपका ये सहयोग हमारे लिए सचमुच में स्वर्ग से भेजा हुआ आशीर्वाद जैसा ही है, जो निश्चय ही किन्हीं जरूरतमंदों के लिए अवश्य ही काम आएगा। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के मार्गदर्शन में आकर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करता है, वो अपने दुखों और परेशानियों से छुटकारा पाकर सुख और सफलता की ओर बढ़ता है। दोस्तों, चाहे आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या हो या जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, इस वीडियो में बताए गए 61 अनमोल विचारों को ध्यान से सुने और समझें। ये आपके हर कठिन समय को आसान बना देगा और आपके जीवन के हर दुख को दूर कर देगा। गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा हुआ है, जो थके हुए मन और जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी इन 61 विचारों को ध्यान पूर्वक सुनेगा, उसे अपने हर सवाल का जवाब और हर समस्या का हल अवश्य ही मिलेगा। उसे वो सब मिलेगा जिसकी उसने कभी कामना की है। इसलिए इस वीडियो में बताए गए किसी भी विचार को मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें। तो आइए कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिख करके और साथ ही वीडियो को लाइक करके इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अमूल्य वचन ये है कि जहां आपके लिए प्रेम और सम्मान ही ना हो, वहां कभी ना जाएं। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। तब शकुनि ने दुर्योधन को समझाया, कृष्ण बहुत चतुर है और मायावी है, अगर ये हमारे पक्ष में आ जाए तो पांडवों की हार निश्चित है, इसलिए इन्हें खुश करने की कोशिश करो और अपने घर आने का निमंत्रण दो। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उनका स्वागत करते हुए आग्रह किया, हे कृष्ण, आप मेरे घर आए, मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें और मेरे साथ भोजन करें। इस पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी जाना चाहिए या भोजन करना चाहिए जब या तो वहां सच्चा प्रेम हो या फिर जीवन में कोई बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई विपत्ति है और ना ही तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई प्रेम है, ऐसे में मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता। तुमने मुझे बुलाया है केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और स्वार्थी लोगों के घर जाना, उनका आतिथ्य स्वीकार करना उचित नहीं होता। मित्रों, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जहां प्रेम और सम्मान ही ना हो, वहां ना रुकें, हमेशा वहीं रहें जहां आपकी कदर होती हो, आपको इज्जत मिले और सच्चा प्रेम महसूस हो। जीवन में सम्मान और प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और जहां ये नहीं है वहां जाने से केवल अपमान और निराशा ही मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अमूल्य वचन ये है कि आज इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। चाहे बिजनेस की दुनिया हो, रिश्तों की बात हो या फिर किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, हर जगह यही कहानी है। इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि चोरी, धोखा और अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। शास्त्रों में कलयुग के लक्षणों का जो वर्णन किया गया है, वो सच्चाई बनकर हमारे सामने खड़ा है। आज का समय ऐसा हो गया है कि इंसान ही इंसान को खा रहा है, कोई दूसरे का बिजनेस तबाह कर रहा है, कोई किसी की नौकरी छीन रहा है और किसी की खुशियों पर ग्रहण लगा रहा है। जो दुखी है उसे और दुखी करने में खुशी मिलती है, और जो खुश है उसे परेशान करने में आनंद आता है। यह स्थिति बताती है कि इंसान ने इंसानियत ही खो दी है। एक दिन एक भिखारी एक अमीर सेठ के घर के बाहर से गुजर रहा था। उसने सेठ से निवेदन किया, सेठ जी, कृपया मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहा हूं और बेहद ही प्यासा हूं। सेठ ने उत्तर दिया, अभी आदमी नहीं है, जब आदमी आएगा तब तुम्हें पानी मिल जाएगा। भिखारी ने विनती की, सेठ जी, मेरे प्राण निकल रहे हैं,
कृपया आप ही मुझे पानी दे दीजिए। सेठ ने फिर वही कहा। मैंने कहा ना, जब आदमी आएगा तब तुम्हें पानी मिल जाएगा। इस पर भिखारी ने गहरी बात कही। सेठ जी, आप खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते? थोड़ी देर के लिए ही सही, आदमी बनकर मुझे पानी तो दे दीजिए। मित्रों, आज का समय ऐसा ही हो गया है कि कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं है। हर कोई अपने स्वार्थ में दूसरों को नुकसान पहुंचाने में जुटा हुआ है। इसलिए कलयुग को मतलबी युग कहा जाता है, जहां लोग केवल अपने फायदे के लिए ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अमूल्य वचन हमें सिखाता है कि मन की शांति सबसे बड़ा धन है। एक अशांत मन जीवन में केवल दुख ही लाता है, जबकि शांत मन प्रेम और आनंद से भर देता है। सुख और दुख का मूल कारण मन की स्थिति में छिपा होता है। अशांत मन गलत फहमियों और शंकाओं का जाल बुनता है, जो जीवन में सुख चैन को पूरी तरह से छीन लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को वश में रखना इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन यदि आप इसे वश में नहीं रख पाते तो यही मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसलिए मन में कभी भी शंकाओं को जन्म ना दें। ये शंकाएं छोटे छोटे मसलों को भी पहाड़ बना देती हैं और रिश्तों, जीवन और आनंद को खत्म कर देती हैं। शांत मन ही परम आनंद का द्वार खोलता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वो जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अगले विचार पर जाएं, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपके मन को सकारात्मकता से भरने का प्रयास कभी अधूरा ना रह जाए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अमूल्य वचन ये समझाता है कि लोग भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं पर जो विश्वास नहीं करते, वे संसार के सुख दुख के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे लोगों का जीवन एक झूले की तरह होता है। कभी खुशी का अनुभव होता है तो कभी अचानक कोई दुख आकर उनकी खुशी को छीन लेता है। कुछ समय के लिए वे फिर से खुश हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही किसी नई समस्या का सामना करना पड़ता है। इस तरह उनका जीवन हमेशा उतार चढ़ाव के बीच झूलता रहता है। जो लोग भगवद गीता की शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, वे मानसिक रूप से बेहद मजबूत बन जाते हैं। उनके लिए जीवन की कठिनाइयां उतनी बड़ी नहीं लगती और वे हर छोटे छोटे दुख से विचलित नहीं होते। ऐसे लोग छोटी छोटी खुशियों में भी खुद को खोने से बचते हैं और जीवन को संतुलित दृष्टि से देख पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पांचवा अमूल्य वचन सिखाता है कि व्यक्ति को जीवन में सुख और दुख दोनों को समान भाव से अपनाना चाहिए। जिस प्रकार हम खुशियों का स्वागत खुशी से करते हैं, उसी तरह हमें दुखों को भी जीवन का अभिन्न हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन की संपूर्णता सुख और दुख दोनों को अनुभव करने से ही मिल पाता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाली तो धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जिसे पांडव कभी देखना नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौटने वाले थे। ये खबर सुनकर सारे पांडव अत्यंत दुखी हो गए। उनके लिए श्री कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं बल्कि उनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा थे। उनके अलग होने की कल्पना से ही वे विचलित हो जाते थे, लेकिन श्री कृष्ण को तो अपने कर्तव्य के लिए जाना ही था। विदा के समय भगवान श्री कृष्ण एक एक कर अपने प्रियजनों से मिल रहे थे। हर किसी को कुछ ना कुछ उपहार देकर वे उन्हें विदा कर रहे थे। अंत में वे पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बुआ, आज तक आपने मुझसे कुछ मांगा नहीं है, आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखें भर आई। उन्होंने रोते हुए कहा, हे कृष्ण, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो तुम मुझे दुख ही दुख दे दो, मैं बहुत सारा दुख चाहती हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण हैरान हो गए और पूछे, ऐसा क्यों बुआ, तुम्हें दुख ही क्यों चाहिए? कुंती ने गहरे भाव से उत्तर दिया, जब जीवन में दुख रहता है ना तो तुम्हारा स्मरण हर पल बना रहता है। तुम्हें याद करते हुए मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना कर सकती हूँ, लेकिन सुख के समय तुम्हारी याद कम आती है, इसलिए मुझे दुख ही चाहिए ताकि मैं हमेशा तुम्हें याद कर सकूं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ना कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक मनाता है, ना किसी चीज की लालसा रखता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों का त्याग करता है, वही भक्त मेरे लिए सबसे प्रिय है।
श्रीमद् भगवद गीता का छठा अमूल्य वचन हमें यह सिखाता है कि आंखों से दिखने वाली हर बात पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार जो चीजें हमें प्रत्यक्ष रूप से सच लगने लगती हैं, वो असल में वैसी नहीं होती। आपने भी कई बार ऐसी कहानियां सुनी होंगी जहां आंखों से देखी हुई बात भी बाद में गलत साबित हो जाती है। इसलिए किसी बात पर विश्वास करने से पहले हमेशा सोच समझ कर निर्णय लें। जल्दबाजी में किया गया भरोसा कई बार गलतफहमी या नुकसान का कारण बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण यही तो समझाते हैं कि धैर्य और विवेक से काम लेना ही जीवन में सही निर्णय लेने का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का सातवां अमूल्य वचन ये सिखाता है कि कई बार लोग कहते हैं कि मेरा समय खराब चल रहा है, मैं क्या करूं? लेकिन सच तो ये है कि बुरे समय में हमें एक ऐसी चीज जरूर करनी चाहिए जिसे अधिकतर लोग करना छोड़ देते हैं। इसे समझने के लिए कहानी पर चलते हैं। एक गरीब किसान था जो मेहनती होने के साथ साथ बेहद खुशहाल था। उसकी सुबह भगवान की पूजा से शुरू होती थी और हर दिन वो और उसकी पत्नी मंदिर जाकर भगवान के आगे प्रार्थना करते थे। इसके बाद किसान खेतों में मेहनत करता और जो भी कमाता उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लोगों की भलाई में भी लगा देता। एक दिन उनके गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता बेटा इस बीमारी की चपेट में आ गया। गांव में इस बीमारी का इलाज संभव नहीं था, इसलिए बच्चे को शहर के एक अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन अस्पताल का इलाज बहुत महंगा था। किसान के लिए डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्च उठाना असंभव सा लग रहा था। वो धीरे धीरे अपनी हिम्मत खोने लगा। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे किसान इतना निराश हो गया कि फूट फूट कर रोने लगा। वो कभी खुद को कोसता तो कभी भगवान को। उसकी पत्नी जो अब भी मंदिर जाती थी और प्रार्थना करती थी, ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, लेकिन किसान को कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने किसान से कहा कि बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपये चाहिए। किसान के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। उसकी पत्नी अब भी भगवान पर भरोसे करती थी और रोज मंदिर जाकर अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी से कहा कि उसने किसान की आवाज उस दिन अस्पताल में सुनी थी जब वो रो रहा था। सेठ ने बताया कि उसकी पत्नी भी उसी अस्पताल में भर्ती थी और अब ठीक होकर घर लौट आई है। सेठ ने तुरंत अपनी जेब से 10,000 रुपये निकालकर किसान की पत्नी को दे दिए। साथ ही उसने कागज पर अपना पता लिखकर कहा कि अगर और पैसों की जरूरत हो तो वे बेझिझक उनसे मांग लें। किसान की पत्नी ने कागज लेने से इनकार करते हुए कहा कि जो मिलना है वो समय पर ही मिलेगा। गीता का यही संदेश है, जब तक कर्म करने वाला अपने कर्मों का फल पूरी तरह से नहीं भोगता, तब तक उसे ना समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है। ये कहानी हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास और निरंतर कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में विश्वास और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। श्रीमद् भगवद गीता का आठवां अमूल्य वचन ये सिखाता है कि इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। यदि आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो ही आपकी संतान भविष्य में आपकी सेवा करेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए बुरे कर्मों से बचना ही हमेशा सही राह है। एक दिन एक गरीब आदमी नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था। उसने बड़ी मेहनत से एक ताजी मछली पकड़ी। पास में एक अमीर सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। जब सेठ ने उस गरीब आदमी के हाथ में मछली देखी तो उसका लालच बढ़ गया। उसने जबरदस्ती मछली छीन ली। गरीब आदमी ने विनती की, सेठ जी ये मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों ले रहे हैं? लेकिन सेठ ने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा, जाकर दूसरी पकड़ लो, ये मछली अब मेरी है। ये देखकर सेठ चला गया, लेकिन मछली ने उसके अंगूठे में काट लिया और छिटक कर पानी में जा गिरी। सेठ का अंगूठा बुरी तरह से घायल हो गया। सेठ डॉक्टर के पास गया, लेकिन घाव ठीक होने के बजाय और खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा, अगर अंगूठा नहीं काटा गया तो हाथ सड़ जाएगा। मजबूर होकर सेठ ने अंगूठा कटवा लिया। कुछ समय बाद घाव फिर खराब हो गया। डॉक्टर ने हाथ कलाई तक काटने की सलाह दी। धीरे धीरे सेठ को हाथ की कोहनी तक और फिर पूरा बाजू कटवाना पड़ा। एक दिन सेठ के दोस्त ने उससे पूछा, तुझसे कोई बड़ी गलती तो नहीं हुई जो ये सब तेरे साथ हो रहा है? सेठ ने जवाब दिया, हाँ, मैंने एक गरीब आदमी की मछली छीन ली थी। मेहनत तो उसकी थी, लेकिन मैं खाना चाहता था। दोस्त ने कहा, तो तुरंत उस आदमी से माफी मांग। सेठ गरीब आदमी के पास गया, उसके पैरों में गिर कर बोला, तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने कोई श्राप दिया?
गरीब आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस भगवान से कहा कि इसे अपनी ताकत दिखाओ। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। कर्म हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि कर्म फल से कोई बच ही नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं अमूल्य वचन ये सिखाता है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है। महाभारत में दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया। उन्होंने हर मोड़ पर पांडवों को धोखा दिया और कभी उनके साथ ईमानदारी से व्यवहार ही नहीं किया। लेकिन जैसा कर्म उन्होंने किया वैसा ही परिणाम उन्हें मिला। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के हर बड़े योद्धा की मृत्यु छल के माध्यम से ही हुई। अंततः दुर्योधन का दुख का अंत भी छल के कारण ही हुआ। ये गीता का सटीक संदेश है कि जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है उसे एक दिन उसी तरह का धोखा भुगतना पड़ता है। कर्म हमारे हर अच्छे और बुरे काम का हिसाब रखता है। अगर कोई खुद को बहुत चालाक समझकर दूसरों को मूर्ख बनाता है या धोखा देता है तो उसे ये समझना चाहिए कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब कोई और व्यक्ति उसे उसी तरह धोखा देगा। कर्म का नियम अटल है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना ही सबसे सही विकल्प है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अमूल्य वचन ये बताता है कि आज के समय में आवश्यकता से अधिक भला बनने से आपको नुकसान हो सकता है। पांडवों की कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक अच्छा होना कई बार दुखद अनुभवों का कारण बन सकता है। पांडव हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चले, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सारा राज्य खो दिया। उनकी पत्नी को भरी सभा में अपमानित करने की कोशिश की गई, उन्हें भिक्षा मांगकर जीवन बिताने पर मजबूर होना पड़ा। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे दूसरों के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छे थे। ये तो उस युग की बात है, लेकिन आज की दुनिया और भी स्वार्थी और कठोर हो चुकी है। आज के समय में लोग अच्छे व्यक्तियों का सम्मान कम और उनका उपयोग ज्यादा करते हैं। यदि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप ये अनुभव करेंगे कि लोग अक्सर आपके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं और आपकी भलाइयों का फायदा उठाते हैं। इसलिए खुश रहने के लिए बहुत अधिक भला बनने से बचें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान बन जाएं। आपको अच्छे और सच्चे कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन केवल अपनी अंतरात्मा और ईमानदारी के लिए। दुनिया की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना छोड़ दें। अपने कर्मों में सच्चाई रखें और अपनी नजरों में श्रेष्ठ बने रहें। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अमूल्य वचन ये सिखाता है कि आपकी सफलता या असफलता आपकी संगत पर बहुत हद तक निर्भर करती है। जैसा कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत, और वही रंगत आपके जीवन का आधार बनती है। यदि आप अच्छे इंसान हैं लेकिन आपकी संगति बुरी है तो बर्बाद होना तो तय है। वहीं यदि आप बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों की है तो आप निश्चित रूप से सुधर सकते हैं। महाभारत में कौरवों के साथ शकुनी जैसे कपटी व्यक्ति थे, जबकि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक थे। संगत का यह प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाता है। यदि आपके साथ बुरे लोग हैं तो वे आपके सही सोचने की क्षमता को खत्म कर देंगे। जैसा कहा गया है कि धर्मयुक्त हृदय धर्म का परामर्श देता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। उदाहरण के लिए भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे धर्मात्मा व्यक्ति भी बुरी संगत के कारण अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। उनका अंत भी वैसा ही हुआ जैसा एक अधर्मी का होता है, पीड़ा और दुख के साथ। इसलिए बुरी संगत में कभी ना रहें, क्योंकि कई बार आपको उनके कर्मों की सजा भी भुगतनी पड़ती है। ये समझने की जरूरत है कि यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी। इसलिए हमेशा उन लोगों का साथ चुनें जो आपके जीवन को सुधारने और बेहतर बनाने में आपकी मदद करें। अच्छी संगत ही आपकी जीवन की सच्ची पूंजी है। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अमूल्य वचन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य के जीवन में तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन अवस्थाओं के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और पुनः जन्म लेती है। जब तक मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। इच्छाएं और वासनाएं जितनी अधिक होती हैं, जीवन में खुशियां उतनी ही कम हो जाती हैं। यदि आप जीवन में खुश नहीं हैं तो इसका मुख्य कारण आपकी अनियंत्रित इच्छाएं और वासनाएं हैं। इंसान सच्चा सुख तभी पाता है जब वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में लाना सीख ले। इसे समझने के लिए एक साधारण सा गणितीय उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए कि आपके जीवन में 100 खुशियां हैं, लेकिन आपकी इच्छाएं 20 हैं। इस स्थिति में आपकी खुशी 80% रह जाती है। यदि आपकी इच्छाओं की संख्या 50 हो जाती है तो आपकी खुशी आधी रह जाती है, और यदि आपकी इच्छाएं 100% पहुंच जाती है तो खुशी शून्य हो जाती है। जब इच्छाएं 100 से भी अधिक बढ़ जाती हैं तो खुशी नकारात्मक हो जाती है, यानी जीवन दुख में बदलने लगता है। तो इसका मुख्य संदेश ये है कि जितना आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे उतना ही आपकी खुशियां बढ़ेंगी, लेकिन यदि आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे तो दुख अपने आप आपके जीवन में दस्तक देगा। इसलिए यदि सच्ची खुशी चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना और अपने मन को संतोष में स्थिर करना सीखें। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अमूल्य वचन ये सिखाता है कि जिंदगी में धोखा अक्सर अपने ही देते हैं वे लोग जो आपको गहराई से जानते हैं और आपकी कमजोरियों से वाकिफ होते हैं। वही आपको चोट पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। बाहरी लोग शायद ही आपको धोखा दें क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरियों या दर्द के बारे में पता नहीं होता। महाभारत का सबसे बड़ा उदाहरण यही है। ये युद्ध 2 अलग अलग राज्यों के बीच नहीं बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ। दुर्योधन जो पांडवों का भाई था ने कई बार उनके खिलाफ साजिशें रची। उसने भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की। उसने पांडवों को कई बार जान से मारने की योजनाएं बनाई। धोखा अक्सर घर के भीतर से आता है। अपने ही लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। महाभारत हमें यह सिखाता है कि सबसे अधिक सतर्कता अपनों से बरतनी चाहिए। बाहर के लोग शायद ही आपका नुकसान कर पाए, लेकिन जो आपको भीतर से जानते हैं वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए कलयुग में बाहरी दुनिया से अधिक अपनों के बीच सतर्क रहना आवश्यक है। धोखा देने वाले अक्सर वे होते हैं जिनसे आप सबसे अधिक उम्मीदें रखते हैं। गीता का ये वचन हमें सावधान रहने और अपने संबंधों में विवेकशील बने रहने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अमूल्य वचन ये सिखाता है कि गरीबी और उसके अनुभव जीवन में गहरे सबक सिखाते हैं। ये अनुभव इंसान को भीतर से बदलने की ताकत रखते हैं। जिस तरह आप दूसरों से बात करते हैं उसी तरह दूसरों की बात सुनने की आदत भी आपको डालनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस वचन में हमें सलाह देते हैं कि ईश्वर को अपने सबसे करीबी मित्र बनाएं। परमात्मा एकमात्र ऐसे साथी हैं जो कठिन से कठिन समय में भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। साथ ही सच्चे दोस्तों का चुनाव करें, ऐसे लोग जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करें, जो आपकी परवाह करें और जिनके साथ आप खुद को सुरक्षित और सहज महसूस करें। सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपका साथ दें और आपकी भावनाओं को समझे। जीवन में भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाकर चुनौतियों से भागना सही नहीं है। धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। सही समय आने तक स्थिर और मजबूत रहना ही जीवन का असली सबक है। मनुष्य का सबसे अच्छा साथी उसका आत्मा और मन होता है। आत्मा अच्छी बातों पर उसे शाबाशी देता है और मन उसे गलतियों से सही दिशा में ले आता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और आत्मा और मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाएं। यही दोनों आपके जीवन को सही दिशा देने वाले सच्चे साथी हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अमूल्य वचन ये समझाता है कि फल की लालसा के साथ किया गया कर्म कभी भी मनुष्य को शांति और संतोष नहीं दे सकता। जब इंसान का ध्यान केवल परिणाम पर होता है तो उसकी इच्छाएं अनंत हो जाती हैं और वो कभी भी संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाता। यदि किसी कर्म का परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिलता तो वो व्यक्ति दुखी और निराश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अपने आप को मुझमें समर्पित कर दो, निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर कर्म करो, परिणाम की चिंता छोड़कर ईश्वर पर भरोसा रखो। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन सुख और संतोष से भर जाएगा और दुख तुम्हारे पास आएगा भी नहीं। लालसा बार बार जन्म लेती है और मनुष्य को अपने इंद्रियों का गुलाम बना देती है। कोई भी कर्म तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसका परिणाम पूरी तरह भोग ना लिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के हर कर्म और उसके परिणाम को देख सकता हूँ। इसलिए फल की चिंता छोड़कर निरंतर अपने कर्म करते रहो। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। कर्म ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। इस शिक्षा का सार ये है कि निस्वार्थ कर्म और ईश्वर पर भरोसा ही जीवन को संतोष और मोक्ष की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अमूल्य वचन हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को शांति और स्थिरता की ओर ले जा सकता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं और अपनी शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हमारा मन और आत्मा मजबूत होते हैं।
दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने से आपका आत्मविश्वास कम होता है। इसलिए खुद पर भरोसा करें, अपने दम पर आगे बढ़ें और अपना मार्ग स्वयं तय करें। जीवन अनिश्चित है और किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। समय व्यर्थ करने के बजाय अपने अतीत से सीख लें और अपने वर्तमान को सुधार कर भविष्य को बेहतर बनाएं। ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने कर्म करते रहें। क्या होगा और क्या नहीं, ये ईश्वर पर छोड़ दें। जितना अधिक पुरुषार्थ करेंगे उतना ही जीवन का मार्ग सरल होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हो गया वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन ये भी संभव है जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। वेदों और पुराणों का अध्ययन तभी सार्थक है जब हम उनकी बातों का पालन करें। रावण जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की भी मृत्यु का कारण उसका अज्ञान और अहंकार बना। इसलिए अपने ज्ञान को समाज और जगत की भलाई के लिए उपयोग करें। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर अमर है, इसे कोई ना जन्म दे सकता है और ना ही मार सकता है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के करीब या दूर ले जा सकते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। भगवान कहते हैं कि जब धरती पर पाप और अधर्म अपने चरम पर पहुंचते हैं तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। जो दान बिना किसी स्वार्थ के आवश्यकता अनुसार किया जाए वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसने परम शांति प्राप्त कर ली। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धर्म का पालन और अपने कर्तव्यों को निष्ठा के साथ निभाना भी तपस्या के समान ही है। यह गीता का गहरा संदेश है। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अमूल्य विचार ये बताता है कि हर मनुष्य तीन गुणों, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का मिश्रण होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें केवल अच्छाइयां या केवल बुराइयां ही हो। हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों का वास होता है। यदि आप चाहें तो सबसे अच्छे व्यक्ति में भी बुराई ढूंढ सकते हैं और चाहे तो सबसे बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी कमजोरियां ही आपकी प्रगति में बाधा है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आजकल लोग दूसरों में केवल कमियां ढूंढते हैं और अपनी अच्छाइयों को ही देखते हैं। यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो उसकी चिंता ना करें, उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप सुधार सकते हैं और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उनके बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें, यही आत्मसमर्थन का सही मार्ग है। यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि अपने गुणों को निखारें और उन चीजों के लिए परेशान ना हो जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। केवल आत्म स्वीकृति और सुधार के माध्यम से ही आप एक सशक्त और सकारात्मक व्यक्ति बन सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अमूल्य वचन सिखाता है कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा सोचना कि आप कमजोर हैं अपने प्रति सबसे बड़ा अन्याय और अधर्म है। मनुष्य वही बनता है जो ऐसा वो सोचता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी सोच सकारात्मक हो, क्योंकि भय और अधूरी इच्छाएं ही समस्त दुखों की जड़ है। प्राचीन समय में एक राजा को सूचना मिली कि पड़ोसी राज्य 3 दिनों के भीतर विशाल सेना के साथ हमला करने वाला है। यह खबर सुनकर राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत अपनी सभा बुलाई और सभी से सुझाव मांगे। एक चतुर मंत्री ने कहा, राजन, जब हम पर हमला तय है तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम पहले ही हमला कर दें। पड़ोसी राज्य अभी तैयार नहीं है और यह हमारे पास जीतने का एकमात्र मौका है। राजा ने जवाब दिया, लेकिन हमारी सेना छोटी है, हम उनका सामना कैसे करेंगे? मंत्री ने समझाया, यदि 3 दिन बाद हारना तय है तो क्यों ना अभी पूरी ताकत लगाकर लड़ें। राजा को यह सुझाव सही लगा और उसने अपनी सेना को तुरंत तैयार होने का आदेश दिया। सेना पड़ोसी राज्य तक पहुंचने के लिए एक पुल पार करती थी। जैसे ही सेना पुल पार कर गई, राजा ने आदेश दिया, इस पुल को जला दो, अब हमारे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अब या तो जीतना है या यहां मर जाना है। यह सुनकर सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ लड़ाई लड़ी और बड़ी सेना को परास्त कर दिया। ये कहानी सिखाती है कि जब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होता और हम पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ काम करते हैं तो सफलता निश्चित होती है। कभी ये मत सोचे कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। यदि आप पूरे मन और आत्मा से किसी कार्य को करेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां अमूल्य वचन ये सिखाता है कि समझदारी और सही तरीके से किया गया काम ही सफलता दिलाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे दिन रात तो मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में सफल ही नहीं हो पाते।
तो सच्चाई ये है कि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, समझदारी और सही दिशा में की गई मेहनत ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को योग में स्थित होकर और एकाग्रचित होकर कर्म करना चाहिए। जब मन एकाग्र होता है तो व्यक्ति सही और गलत के बीच का अंतर बहुत ही आसानी से समझ जाता है। इससे वो सही मार्ग का अनुसरण करता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। इस वचन का सार ये है कि अपने मन को केंद्रित करें और अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। केवल प्रयास करने से नहीं बल्कि समझदारी के साथ किया गया प्रयास ही जीवन में सफलता दिलाता है। यदि आप अपने कर्म में बुद्धिमता और एकाग्रता का समावेश करेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां अमूल्य वचन हमें यह सिखाता है कि समय का महत्व समझना और अपने कार्यों को समय पर पूरा करना ही जीवन की असली सफलता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता और अपने कार्यों को टालता रहता है, उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ चली जाती है। समय ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि इसे निरर्थक कार्यों में बर्बाद किया जाए तो जीवन में कुछ भी सार्थक हासिल नहीं होता। अगर आप अपने जीवन में सफलता और खुशहाली चाहते हैं तो समय का सदुपयोग करना अत्यंत ही आवश्यक है। समय का सही उपयोग न केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि जीवन को सही दिशा भी देता है। समय एक बार चला जाए ना तो वापस नहीं आता, इसलिए हमें इसका मूल्य समझते हुए अपने लक्ष्यों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि समय का हर पल कीमती है और इसे केवल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां अमूल्य वचन ये सिखाता है कि डरने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। डर केवल हमारी चिंताओं को बढ़ाता है और मन की शांति छीन लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम केवल शरीर ही नहीं, शरीर तो तुम्हारा एक साधन है, असली में तो तुम आत्मा हो जो अजर अमर है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन युद्ध करने से घबरा रहे थे। वो सोचते थे कि युद्ध से दुख और विनाश ही होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, जब किसी विवाद का शांतिपूर्ण समाधान संभव ही नहीं है तो युद्ध ही अंतिम विकल्प होता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, लेकिन वीर अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस संसार में कोई वास्तव में मरता नहीं है, सभी केवल निमित्त मात्र है। आत्मा ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है, इसलिए डर को छोड़ो और अपने नियत कर्म को निडरता से पूरा करो। ये वचन हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में डर के स्थान पर साहस और कर्तव्य निष्ठा को अपनाएं। अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और निडरता से करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में सफलता प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां अमूल्य वचन सिखाता है कि जीवन में किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो प्रेम हो, नफरत हो, भोजन हो या आराम हो। हर चीज में संतुलन जरूरी है। हद से ज्यादा मिठास भी हानिकारक ही होती है और हद से ज्यादा करवाहट भी जीवन को कष्टदायक बना देती है। यदि आप जरूरत से ज्यादा भोजन करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, वहीं जरूरत से ज्यादा भूखे रहने से भी आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। इसी तरह हद से ज्यादा आराम करने से शरीर सुस्त हो जाता है, जबकि अत्यधिक जागने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जीवन का असली रहस्य संतुलन में है। जैसे ही आप संतुलन खोते हैं, आपके जीवन में समस्याएं पैदा होने लगती हैं। यह संतुलन ही है जो जीवन को सुदृढ़ और सुखमय बनाता है। इसलिए अपने हर कार्य में एक सीमित और संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं, ताकि आपका जीवन स्वस्थ, सुखी और सकारात्मक बना रहे। श्रीमद् भगवद गीता का 23वां वचन ये सिखाता है कि हर रिश्ते में मर्यादा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जिस रिश्ते में मर्यादा ही टूट जाए, वहां केवल विनाश होता है। कोई व्यक्ति चाहे आपसे बड़ा हो या छोटा, यदि वो रिश्ते की सीमाओं को लांघता है तो वो रिश्ता टिक नहीं सकता। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की कद्र करें। यदि किसी रिश्ते में इज्जत और सीमाओं का अभाव हो तो वो रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। मर्यादा और सीमाओं का पालन ही किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। इसलिए हर रिश्ते में सीमाओं का सम्मान करें और अपने व्यवहार में ऐसा संतुलन बनाए रखें जो रिश्ते को सहेज सके। यही रिश्तों की सच्ची सीख है। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां अमूल्य वचन सिखाता है कि अपनी खुशी और दुख हर किसी के सामने जाहिर करना सही नहीं है। आपकी खुशी को लोग नजर लगा सकते हैं और आपके दुख का मजाक उड़ाया जा सकता है। लोगों की मानसिकता ये होती है कि वे दूसरों की खुशी से जलते हैं और दुखी व्यक्ति को और अधिक तकलीफ देना चाहते हैं। इसलिए कहा गया है कि अपने आंसुओं को अपनी आंखों में रखें और अपने घावों को सभी के सामने उजागर ना करें। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो हाथ में नमक लिए
दुखी लोगों के जख्मों पर छिड़कने के लिए तैयार रहते हैं। अपना सुख दुख केवल उन्हीं के साथ साझा करें जो इसे समझने और सराहने की क्षमता रखते हों। हमेशा अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करें और अपनी भावनाओं को बिना मतलब के लोगों को ना बताएं। श्रीमद् भगवद गीता का 25वां अमूल्य वचन सिखाता है कि आपको वो नहीं करना चाहिए जो सभी करते हैं, बल्कि वो करना चाहिए जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू वही कर जो तेरा कर्तव्य है, ये मत देख कि दुनिया क्या कह रही है। अर्जुन युद्ध से बचने के लिए सन्यासी बनने की बात कहने लगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, सन्यास लेना तेरा कर्म और धर्म नहीं है, तू एक क्षत्रिय है और तेरा कर्तव्य अधर्म का नाश करना है और धर्म की रक्षा करनी है, इसलिए युद्ध करना तेरा धर्म है। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग कर्तव्य और मार्ग होता है, इसलिए कभी भी भीड़ का अनुसरण ना करें। यदि आप केवल इसलिए कोई काम करते हैं क्योंकि वो फैशन या ट्रेंड में है, तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाएंगे। लेकिन यदि आप अपनी प्रतिभा और कर्तव्य के अनुसार काम करेंगे, तो आप दुनिया की भीड़ में भी सबसे अलग और विशिष्ट नजर आएंगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपना मार्ग स्वयं तय करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 25वीं अमूल्य वचन हमें यह सिखाता है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वो अपने रिश्तों, मित्रताओं और जीवन की स्थिरता को खो देता है। क्रोधी व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं क्योंकि उसका स्वभाव न केवल उसे नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी परेशान करता है। जब आप क्रोध में प्रतिक्रिया करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप ईश्वर के बनाए नियम यानी कि कर्म पर भरोसा नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये भ्रम स्मृति को नष्ट कर देता है और स्मृति के नष्ट हो जाने से व्यक्ति की विवेकशीलता समाप्त हो जाती है, और विवेक नष्ट हो जाने के बाद मनुष्य अपने जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। इस वचन का संदेश है कि क्रोध का त्याग करें और अपने मन को शांत करें। केवल शांत और संतुलित मन ही सही निर्णय ले सकता है और जीवन को सुखी बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की 26वीं अमूल्य वचन सिखाता है कि सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़ा व्यक्ति अजय होता है, चाहे पूरी दुनिया उसके विरुद्ध ही क्यों ना हो जाए, अंत में जीत सत्य और धर्म की ही होती है। श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों और 18 अध्यायों का अंतिम श्लोक यही कहता है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन खड़े होते हैं, वहां विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प निश्चित होते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है। उन्हें विश्वास था कि उनकी सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली योद्धा होंगे। इस ताकत के साथ हार की संभावना असंभव लगती थी, लेकिन संजय ने स्पष्ट रूप से बताया कि जहां ईश्वर यानी कि श्री कृष्ण खड़े होते हैं, वहां केवल शक्ति ही नहीं बल्कि सत्य और धर्म का महत्व होता है। सत्य के साथ खड़ा व्यक्ति चाहे कितना भी अकेला क्यों ना हो, पराजित नहीं हो सकता। ये वचन हमें प्रेरित करता है कि सत्य, धर्म और ईश्वर की शक्ति में अडिग विश्वास रखें। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि आप सही रास्ते पर हैं तो आपकी जीत निश्चित है। श्रीमद् भगवद गीता की 28वीं अमूल्य वचन सिखाता है कि मित्रता हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए, और जिसे मित्र बनाए उसके साथ ईमानदारी और निष्ठा से संबंध निभाना चाहिए। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मित्रता में धोखा और विश्वासघात देखने को मिला। शल्य और युयुत्सु जैसे योद्धाओं ने युद्ध के समय पाला बदल लिया। कुछ लोग तो दोनों पक्षों का समर्थन करते रहे, जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर। भले ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े थे, लेकिन अंततः उन्होंने पांडवों की ओर से समर्थन दिया। सच्चे और निष्ठावान मित्र आपके जीवन को बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था, जबकि कौरवों के पास कर्ण जैसे महान योद्धा। दोनों ने ही अपने अपने पक्ष को पूरी निष्ठा से समर्थन दिया। यदि दुर्योधन ने कर्ण के विचारों को गंभीरता से लिया होता और उसे घटोत्कच को मारने के लिए मजबूर ना किया होता, तो कर्ण का अमोघ अस्त्र अर्जुन को पराजित कर सकता था और महाभारत का परिणाम अलग ही हो सकता था। ये वचन हमें सिखाता है कि मित्रता करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसे ईमानदारी से निभाना है। सच्चे मित्रता के बिना जीवन अधूरा है। श्रीमद् भगवद गीता की 29वीं अमूल्य वचन ये सिखाता है कि संसार के प्रति अत्यधिक प्रेम, लगाव और मोह ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। जब आप किसी को अपना मान लेते हैं,
तो वहीं से दुखों और पीड़ा का शुरुआत होता है। अगर गौर करेंगे कि आपके जीवन की सभी चिंताएं और तकलीफें उन्हीं से जुड़ी होती हैं जिन्हें आप अपना कहते हैं। जब हम किसी इंसान, रिश्ते, वस्तु या काम को अपना मान लेते हैं तो हमारा मन उनसे जुड़ जाता है और यही लगाव पीड़ा का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन में दुख और निराशा से छुटकारा पाना चाहते हो तो संसार के मोह को त्याग दो, मेरी भक्ति करो और मुझसे प्रेम करो। मैं तुम्हें इस संसार के सारे दुखों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। इस वचन का संदेश है कि अत्यधिक लगाव और मोह छोड़कर ईश्वर की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलें, यही जीवन को सच्चा सुख और शांति प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता की 30वां अमूल्य वचन ये सिखाता है कि जैसा अन्न आप ग्रहण करते हैं वैसा ही आपका मन, बुद्धि और आचरण बनता है। सात्विक भोजन आपके मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाता है जिससे आपके विचार और व्यवहार भी सात्विक और शांतिपूर्ण हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 3 प्रकार के आहार, सात्विक, राजसिक और तामसिक का विस्तार से वर्णन किया है। सात्विक आहार न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि मन को भी सुख और शांति से भर देता है। राजसिक आहार का सेवन करने से क्रोध और अहंकार जैसे भाव उत्पन्न होते हैं, जबकि तामसिक आहार व्यक्ति में नकारात्मकता और काम वासना और चिंता को बढ़ाता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर भोजन का चयन करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखद, शांतिपूर्ण और सकारात्मक बना रहे तो सात्विक भोजन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। श्रीमद् भगवद गीता की 31वीं अमूल्य वचन सिखाता है कि बीते समय को भुलाकर वर्तमान में जीना ही समझदारी है। यदि आप अपने अतीत के दुखों और पछतावों में उलझे रहेंगे तो आपका आज भी दुखी और निराश रहेगा। समझदार लोग अपने बीते समय का शोक नहीं मनाते, जो भी उनके साथ हुआ उससे सबक लेते हैं और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की ओर बढ़ते हैं। अतीत में जो गलत हुआ उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन आज को सुधार सकते हैं और अपना भविष्य अवश्य ही बदला जा सकता है। बहुत से लोग दूसरों को अपनी तकलीफों का कारण मानते हैं और उन्हें कोसते रहते हैं, लेकिन जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक आप अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जो हुआ उसे भुलाएं और अपने आज में जीना शुरू करें। खुश वही इंसान रह सकता है जो वर्तमान में जीता है। अतीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा किसी न किसी पीड़ा या पश्चाताप में उलझा रहता है, परेशान रहता है। श्रीमद् भगवद गीता की 32वीं अमूल्य वचन सिखाती है कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। महाभारत की कथा में दुर्योधन ने बार बार षड्यंत्र रचकर पांडवों को खत्म करने की कोशिश की। उसने उन्हें जलाने और मारने तक की योजना बनाई। पांडव जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे, दुर्योधन को अपना सगा भाई मानते रहे और उस पर भरोसा करते रहे, लेकिन दुर्योधन उनके खिलाफ साजिशों में जुटा रहा। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने हर बार पांडवों की रक्षा की। यह शिक्षा हमें सतर्कता और विवेक का महत्व समझाती है। रिश्ते और दिखावे के आधार पर किसी पर पूरी तरह भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। चाहे संबंध कितना भी करीबी ही क्यों ना हो, हमें सच्चाई को समझने और सतर्क रहने की आवश्यकता है। भरोसा करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ सजगता बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये वचन हमें प्रेरित करता है कि हर स्थिति में विवेक और सतर्कता से काम लें ताकि छल कपट से बचा जा सके। श्रीमद् भगवद गीता की 33वीं अमूल्य वचन ये सिखाती है कि जब भी आपको अपने जीवन में अकेलापन महसूस हो तो इस सच्चाई को याद रखें कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और एक दिन अकेले ही चले जाएंगे। यह कोई भी अस्थायी रूप से आपका नहीं होता। यहाँ तक कि माता पिता जो आपको जन्म देते हैं एक दिन आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए दूसरों से अधिक उम्मीद करना सही नहीं है। यदि कभी आपका कोई साथ छोड़ दे तो ये ना भूलें कि ईश्वर सदा आपके साथ हैं। वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि हर इंसान को ईश्वर की संतान माना गया है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, चाहे कोई मुझे माने या ना माने, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। ये सभी मेरी संतानें ही तो हैं। अकेलापन से दुखी होने के बजाय गलत लोगों के साथ रहने से डरना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, यानी कि बेकार लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। इस वचन का संदेश है कि अकेले से डरना और दुखी होना छोड़ दें। यह कोई किसी का नहीं होता, लेकिन ईश्वर सदा आपका साथी है। इसलिए आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखें और अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाएं।
श्रीमद् भगवद गीता का 34वां अनमोल वचन हमें सिखाता है कि उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो सामने से अपनेपन का दिखावा करते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारे लिए हानिकारक बन जाते हैं। चाणक्य ने इसे उस घड़े की तरह बताया है जिसका बाहरी हिस्सा अमृत से सना हुआ होता है लेकिन अंदर जहर से भरा रहता है। अगर इसे अमृत मानकर ग्रहण किया जाए तो इसका असली असर जानलेवा हो सकता है। ऐसे दिखावे करने वाले लोगों को जो सामने से मित्रता दिखाते हैं और पीठ पीछे छल करते हैं जीवन से दूर कर देना ही बेहतर है। ऐसे लोग केवल आपके विश्वास को ठेस पहुंचाने के लिए होते हैं। हमें समझदारी से ये निर्णय लेना चाहिए कि अपने जीवन में किसे स्थान दें और किससे दूरी बनाएं। श्रीमद् भगवद गीता का 35वां अनमोल वचन हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। थोड़ी धैर्य और संयम के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इसके लिए एक प्रेरणादायक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक राजा ने अपने गुरुजी से पूछा कि अगर कभी जीवन में बुरा समय आ जाए तो उसे कैसे संभालना चाहिए। गुरुजी ने राजा को एक ताबीज दिया और कहा, जब ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें लगे कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता तब इस ताबीज को खोलकर इसमें लिखा मंत्र पढ़ लेना, ये तुम्हें शांति देगा। एक दिन राजा के राज्य पर हमला हो गया और उसे अपने राज्य को छोड़कर भागना पड़ा। पूरी तरह निराश और टूटा हुआ राजा को गुरुजी की दी हुई ताबीज याद आई। उसने सोचा, इससे बुरा समय और क्या ही हो सकता है। ताबीज खोलने पर उसमें लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इन शब्दों ने राजा के भीतर नई ऊर्जा और विश्वास जगाया। उसने अपनी सेना को फिर से खड़ा किया और संघर्ष करते हुए अपने राज्य को वापस जीत लिया। ये कहानी हमें सिखाता है कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। जैसे बुरे वक्त ने राजा को सबक दिया वैसे ही हमारी जिंदगी में भी हर मुश्किल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब भी आप खुद को किसी चुनौती से घिरा हुआ पाएं तो याद रखें, ये समस्या भी गुजर जाएगा। विश्वास और धैर्य के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। बस अपनी हिम्मत बनाए रखें क्योंकि हर बुरा वक्त एक नए उजाले की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की 36वीं अनमोल वचन हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार कुछ नया आरंभ करने के लिए पुराने को पूरी तरह से समाप्त करना आवश्यक होता है। जब कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, आपने इतना बड़ा महायुद्ध क्यों करवाया, तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अधर्म बहुत अधिक बढ़ गया था। एक नए युग की स्थापना के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अधर्म का नाश करना अनिवार्य था। यह जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य को दर्शाता है। जैसे जब कोई पुराना भवन जर्जर हो जाता है, खंडहर बन जाता है, तो उसे पूरी तरह तोड़कर ही नए निर्माण की शुरुआत होती है। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी कभी कभी पुराने विचारों, आदतों और परिस्थितियों को समाप्त करना जरूरी हो जाता है ताकि कुछ नया और बेहतर आकार ले सके। अगर आप अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव की आकांक्षा रखते हैं तो ये समझना होगा कि पुराने को मिटाए बिना नए की नींव नहीं रखी जा सकती। साहस के साथ पुराने को छोड़ें और नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं क्योंकि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। श्रीमद् भगवद गीता की 37वीं अनमोल वचन हमें यह सिखाती है कि किसी का भला करके उस पर कभी भी एहसान नहीं जताना चाहिए। ऐसा करने से उस कर्म का महत्व समाप्त हो जाता है और उससे मिलने वाला पुण्य और यश व्यर्थ हो जाता है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि सहायता करने वाले हम नहीं बल्कि ईश्वर होते हैं। हम तो केवल उनके द्वारा चुने गए माध्यम हैं। ज्ञान हमें ना केवल बुद्धिमान बनाता है बल्कि हमारे कर्मों को भी श्रेष्ठ और सार्थक भी करता है। इसलिए ज्ञान अर्जित करें और उसे बांटते रहें ताकि दूसरों का जीवन भी संवर सके। जो व्यक्ति केवल फल की आशा में कर्म करता है उस कर्म की जंजीरों में बंधा रह जाता है। अपने मन से तेरा मेरा, छोटा बड़ा और अपना पराया जैसे भेदभाव मिटाकर जब हम हर किसी को अपना मानने लगते हैं तभी सच्ची शांति का अनुभव कर पाते हैं। शांति और संतोष उसी को प्राप्त होता है जो मैं और मेरा जैसे भावों से मुक्त होकर फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर निष्काम भाव से कर्म करता है। यही मार्ग है जिससे जीवन सुखमय और संतोषजनक बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की 38वीं शिक्षा ये है कि दूसरों से सहारा ढूंढना बंद कर देना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम अपने कठिन समय में दूसरों पर निर्भर रहने लगते हैं और यही निर्भरता हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। जो लोग ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति उनका सहारा बनेगा वही लोग मुश्किल समय में सबसे अधिक टूटते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। ईश्वर को ही अपना सच्चा सहारा मानना चाहिए
जब हम सच्चे विश्वास और श्रद्धा के साथ ईश्वर को पुकारते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए अवश्य आते हैं। ये मत भूलिए कि ये दुनिया खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रही है, फिर वो आपका सहारा कैसे बन सकती है। इसलिए अपनी उम्मीदें ईश्वर पर टिकाएं, ना कि उन लोगों पर जो स्वयं अस्थिर हैं। ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं या नहीं, ये पूरी तरह आपकी आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। जब आप सच्चे दिल से ईश्वर को अपना सहारा मानेंगे तो आपको हर मुश्किल का समाधान उनके मार्गदर्शन से मिल जाएगा। खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपनी ताकत को पहचानें, क्योंकि आपका सबसे बड़ा सहारा आपके भीतर और ईश्वर के साथ है। श्रीमद् भगवद गीता का 39वां अनमोल वचन हमें सिखाता है कि मनुष्य को ना तो अपने भाग्य को कोसना चाहिए और ना ही अपने मन में किसी के प्रति घृणा की भावना रखनी चाहिए, और जो ऐसा भावना रखता है वो अपनी ऊर्जा और जीवन दोनों को व्यर्थ करता है। एक प्रेरणादायक घटना में दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन की पीड़ा साझा करते हुए कहा, हे कृष्ण, मेरे जन्म के साथ ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया। मुझे शिक्षा से वंचित किया गया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी ने मुझे अपने स्वयंवर में अपमानित किया। इन सब में मेरी क्या ही गलती थी। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, ध्यान पूर्वक सुनो। मेरा जन्म कारागार में हुआ। मेरे माता पिता मुझसे अलग हो गए। मेरा बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। मुझ पर बार बार जानलेवा हमले हुए। मुझे भी अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी भी अपने भाग्य को नहीं कोसा। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं था कि मुझे कितनी चुनौतियां मिली, बल्कि ये था कि मैं उन चुनौतियों का सामना कैसे करता हूँ। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि बदलाव समय के साथ आवश्यक है, लेकिन ऐसा बदलाव ही सार्थक है जो सबके हित में हो। कर्ण ने अपने जीवन में शिक्षा और सामर्थ्य को पाया, लेकिन उसने उनका उपयोग समाज के प्रति घृणा और बदले की भावना से किया। यही कारण था कि वो महान योद्धा होने के बावजूद अपने लक्ष्य से चूक गया। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और शक्ति का उद्देश्य समाज की सेवा और सुधार होना चाहिए, न कि अपने व्यक्तिगत अपमान का बदला लेना। कर्ण ने समाज के प्रति घृणा पाली और उसे बदलने का प्रयास करने के बजाय उसे मिटाने की सोच रखी। यही उसके पतन का कारण बना। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने भाग्य को दोष देने के बजाय अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग समाज और खुद को बेहतर बनाने में करना चाहिए। घृणा और बदले की भावना हमें केवल नीचे गिराता है, जबकि सच्चा उत्थान परोपकार और समाज हित में निहित होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 40वां अनमोल वचन सिखाता है कि जो व्यक्ति बार बार आपको चोट पहुंचाए उसे माफ करना सही नहीं है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को कई बार माफ किया, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपने जीवन में असीम दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगर कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है तो उसे माफ करना दया का प्रतीक हो सकता है, लेकिन जब वही व्यक्ति बार बार वही गलती दोहराता है तो ये उसकी आदत बन जाती है। ऐसे व्यक्ति को माफ करना न केवल आपके दयालुपन का फायदा उठाने का मौका देता है, बल्कि ये आपके लिए बड़ी समस्या भी खड़ी कर सकता है। दयालु होना और मूर्ख बनना दोनों में फर्क है। माफ करना भी तब तक सही है जब तक कि वो व्यक्ति आपकी दया को कमजोरी समझकर उसका गलत इस्तेमाल ना करे। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है उस पर दोबारा भरोसा करना वैसा ही है जैसे पहले से आजमाई हुई मिट्टी को फिर से मुंह में डालना। इसलिए माफ करने से पहले सावधानी अवश्य रखें। माफी उतनी ही दें जितने से आप खुद को मूर्ख महसूस ना करें। जीवन में उन लोगों से दूर रहना बेहतर है जो बार बार आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि उनकी आदतें शायद कभी नहीं बदलेंगी। सतर्क रहें और अपनी भलाइयों का गलत इस्तेमाल ना होने दें। श्रीमद् भगवद गीता की 41वीं अनमोल वचन हमें सिखाती है कि ये संसार अस्थायी है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही लौट जाएंगे। आज जो कुछ हमारा है वो कल किसी और का होगा। इसलिए अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके निस्वार्थ भाव से जीना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा उपहार हमारा स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है, और सबसे सच्चा संबंध वफादारी से बनता है। यदि हम छल करते हैं तो वो छल एक दिन लौट कर हमारे ही पास आएगा। इसलिए सच्चाई के साथ जीवन जीना न केवल सही है बल्कि हर पल सुकून भी देता है। उपवास केवल खाने का नहीं बल्कि लोभ घृणा चुगली क्रोध और बुरे विचारों से भी करना चाहिए। जब मन और शरीर पूरी लगन से किसी काम में लगते हैं तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। भाग्य की प्रतीक्षा करने के बजाय कर्मों का ऐसा तूफान बनाएं कि अवसर खुद आपके दरवाजे पर दस्तक दें।
क्रोध की स्थिति में मन भ्रमित हो जाता है और ये भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब बुद्धि समाप्त हो जाती है तो पतन निश्चित हो जाता है। जैसे पानी अपनी मर्यादा छोड़ने पर विनाशकारी हो जाती है, वैसे ही जब वाणी मर्यादा तोड़ती है तो संबंध और समाज का विनाश होता है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का कर्ज है जिसे समय के साथ हमें भुगतना पड़ता है। कलयुग में सतर्क और तैयार रहना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ना तो मौसम पर भरोसा है और ना ही इंसानों पर। वे कभी भी बदल सकते हैं। इस संसार में संतुलन और मर्यादा के साथ जीवन जिए और अपने कर्मों को ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी माने। श्रीमद् भगवद गीता का 42वां अनमोल वचन हमें यह सिखाता है कि कई बार हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार ही हमारी सफलता से सबसे अधिक जलते हैं। बाहर के लोगों को आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है इससे शायद ही कोई फर्क पड़ता होगा, लेकिन आपके अपने रिश्तेदार आपकी हर खुशी और उपलब्धि पर नजर रखते हैं। वे सामने से तो आपको प्रोत्साहित करेंगे, शुभकामनाएं देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सफलता उन्हें खटकती है। ये जीवन का कटु सत्य है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी प्रशंसा बाहर के लोग करते हैं, लेकिन घर में हमारी कदर नहीं होती। महाभारत का उदाहरण ले लें, जहां पांडवों की हर सफलता दुर्योधन को असहनीय लगती थी। उसने हर संभव प्रयास किया कि उन्हें नीचा दिखाने का और दुखी करने का, और यही ईर्ष्या महाभारत के विनाशकारी युद्ध का कारण बनी जिसमें अनगिनत लोग मारे गए। रिश्तेदारों की ये ईर्ष्या अक्सर छिपी होती है। वे सामने से मीठे बोलते हैं, आपको आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी खुशी से असंतुष्ट रहते हैं। यही कारण है कि किसी को भी अपना समझने से पहले सतर्क रहें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सच्चा अपनापन वही है जहां खुशी सच्ची हो और ईर्ष्या का कोई स्थान ही ना हो। इसलिए अपने रिश्तों का मूल्यांकन करते समय ध्यान रखें कि कौन वास्तव में आपका अपना है और कौन केवल अपनेपन का दिखावा कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता की 43वां अनमोल वचन हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतोष ही सच्चा सुख है। जो व्यक्ति संतोष को अपनाता है वही हमेशा सुखी रहता है। मनुष्य को उस चीज का शोक या दुख नहीं करना चाहिए जो उसे नहीं मिली, इसके बजाय उसे ईश्वर द्वारा दिए गए उपहार का आनंद लेना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति सागर किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि सागर की लहरों के साथ बहता हुआ सोने का एक डंडा किनारे पर आ गया। वो बहुत खुश हुआ और तुरंत उस डंडे को उठा लिया। अब वो डंडा लेकर इधर उधर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद धूप तेज हो गई तो उसने सोचा कि क्यों ना सागर में नहाया जाए, लेकिन उसे ये डर हुआ कि अगर उसने डंडा किनारे रख दिया तो कोई उसे ले ना जाए। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो डंडा हाथ में लेकर ही नहाएगा। जब वो सागर में नहा ही रहा था तभी एक ऊंची लहर आई और सोने का डंडा उसके हाथ से छूटकर सागर में बह गया। अब वो व्यक्ति बेहद दुखी होकर तट पर बैठ गया और रोने लगा। उसी समय वहां से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उसे रोते हुए देखा और पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वामी जी, नहाते समय मेरा सोने का डंडा सागर में बह गया। संत ने हैरानी से पूछा, तुम डंडा लेकर नहाने क्यों गए थे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, स्वामी जी, मैं डंडे को किनारे पर छोड़ नहीं सकता था, कोई ले जा सकता था ना? इस पर संत ने पूछा, लेकिन वो डंडा तुम्हारा था ही कब? व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये तो मुझे यहीं सागर किनारे बहता हुआ मिला था। ये सुनकर संत जोर से हंसे और बोले, जब वो तुम्हारा था ही नहीं तो उसके जाने का दुख क्यों कर रहे हो? मित्रों, संत की बात ने उस व्यक्ति को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। संत ने समझाया कि कई बार जीवन में हमें कुछ चीजें अनायास ही मिल जाती हैं। ये वस्तुएं या सुख परमात्मा की देन होती हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए और इनका आनंद लेना चाहिए, लेकिन इंसान अक्सर इन उपहारों का आनंद लेने के बजाय उनके खोने की चिंता में डूबा रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया, तुम्हें जो मिला है वो यहीं से तो मिला है, और जो दिया वो यहीं पर तो दिया, खाली हाथ तुम आए थे और खाली हाथ ही तुम्हें जाना है, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होना है और परसों किसी और का। जीवन का सत्य ये है कि हम इस संसार में केवल क्षणिक मेहमान हैं। जो कुछ भी हमें मिला है वो एक दिन छूट जाएगा, इसलिए इन चीजों को अपना समझकर उनसे मोह करना ही हमारे दुखों का कारण बनता है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि सच्चा सुख संतोष में है और जो कुछ उसके पास है उसका आनंद लेना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 44वां अनमोल वचन हमें यह सिखाता है कि जीवन में मन को शांत रखना बेहद आवश्यक है। एक अशांत मन व्यक्ति को केवल दुख और परेशानी देता है, जबकि एक शांत मन प्रेम, सुख और आनंद का स्रोत बनता है।
जीवन में सुख और दुख का कारण अक्सर हमारे मन की स्थिति होती है। अगर मन अशांत है तो वो दुख को जन्म देता है, और अगर मन शांत है तो वही परम आनंद का अनुभव करवाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने मन को वश में रखना चाहिए, क्योंकि एक नियंत्रित मन ही व्यक्ति का सच्चा मित्र बनता है। वहीं अगर मन अनियंत्रित हो जाए तो वो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन में शंकाओं को कभी जन्म नहीं देना चाहिए। शंकाएं धीरे धीरे मन में गलत फहमियों के पहाड़ खड़े कर देती है, जिससे जीवन का सुख और शांति छिन जाती है। शंकाओं से भरा मन व्यक्ति के रिश्तों, कार्यों और निर्णयों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये उसे न केवल दूसरों से बल्कि खुद से भी दूर कर देता है। वहीं एक शांत और नियंत्रित मन हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है और जीवन को सही दिशा में ले जाता है। इसलिए मनुष्य को ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करना चाहिए। शांत मन न केवल आनंद देता है, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता की 45वीं अनमोल वचन हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो भी कार्य करें उसमें निपुणता प्राप्त करें, यानी कि परफेक्ट बने। अधूरा ज्ञान किसी भी स्थिति में खतरनाक साबित हो सकता है और जीवन में बड़े नुकसान ला सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कार्य में पूर्ण दक्षता प्राप्त करें और अपने ज्ञान को गहराई तक समझने का प्रयास करें। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत के वीर योद्धा अभिमन्यु हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया, लेकिन उसे यह ज्ञान अधूरा था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। परिणाम स्वरूप वो अपनी वीरता के बावजूद उस अधूरे ज्ञान के कारण अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सका। यह घटना हमें बताती है कि अधूरा ज्ञान न केवल व्यक्ति को कमजोर बना देता है, बल्कि संकट के समय में किसी भी काम का नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ, विनम्र होकर उनसे सवाल पूछो, सत्य को जानने की इच्छा प्रकट करो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार एक छोटा सा जलता हुआ दीपक घने अंधकार को समाप्त करता है, उसी प्रकार सकारात्मक सोच और पूर्ण ज्ञान का प्रकाश मन में अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटा देता है। इसलिए अपने जीवन में किसी एक क्षेत्र में पूर्ण दक्षता हासिल करें। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को केवल भ्रमित करता है और कठिनाइयों का कारण बनता है। ज्ञान का सही उपयोग तभी संभव है जब वो पूर्णता और सकारात्मकता के साथ अर्जित किया जाए। मन में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान की ज्योति जलाएं और अज्ञानता को पूरी तरह से समाप्त कर दें। यही सच्ची सफलता और संतोष का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का 46वां अनमोल वचन ये सिखाता है कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मोह होता है। मोह न केवल अज्ञानता को जन्म देता है, बल्कि यह जीवन में अनेक समस्याओं का मूल कारण भी बनता है। महाभारत का उदाहरण ले, जहां धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन से अत्यधिक मोह के कारण उसे सही और गलत का अंतर समझाने में असफल रहे, पुत्र मोह ने धृतराष्ट्र को इतना अंधा कर दिया कि धर्म और अधर्म का ज्ञान ही उनके लिए महत्वहीन हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका परिवार और राज्य दोनों विनाश के गर्त में चले गए। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को समाप्त करती है, क्योंकि मोह अज्ञानता का ही रूप है। यूनान के सम्राट सिकंदर का एक प्रेरणादायक प्रसंग भी हमें मोह के प्रभाव को समझाता है। सिकंदर पूरी दुनिया जीतने का सपना देख रहा था। एक दिन एक नागा साधु ने उससे कहा, यदि तू पूरी दुनिया जीत भी ले तो उसके बाद क्या करेगा? क्या दूसरी कोई दुनिया है? ये सुनकर सिकंदर निराश हो गया। साधु ने हंसते हुए कहा, तेरा मोह तुझे निराश करेगा, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद भी तुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मोह व्यक्ति को दुख के जाल में फंसा देता है। ये मोह घर, परिवार, सफलता, सुख सुविधा या मान अपमान का हो सकता है। जहां मोह है वहां दुख अवश्य मिलेगा। यदि मोह सफल होता है तब भी असंतोष और दुख का अनुभव होता है, और यदि असफलता होता है तो दुख और बढ़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मोह का त्याग करता है वह उनकी कृपा का पात्र बनता है और परम आनंद प्राप्त करता है। इसलिए मोह को त्याग कर जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट महसूस करें। ज्यादा पाने का मोह दुख को आमंत्रण देता है, जबकि संतोष सच्चे सुख का स्रोत है। जीवन में सच्चा आनंद और शांति पाने के लिए
मोह का त्याग करना ही सही मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का 47वां अनमोल वचन हमें सिखाता है कि इंसान को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि इस बात की चिंता करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे या सोचेंगे। जब हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तब हमारा ध्यान अपने कार्य से हट जाता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। एक बार की बात है, एक फल वाला बाजार में बैठकर फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे एक बोर्ड लगा रखा था जिस पर लिखा था, यहाँ ताजे फल बेचे जाते हैं। तभी एक ग्राहक आया और उसने कहा, तुम यहाँ बैठे हो ये तो हमें पता है, इस पंक्ति से यहाँ शब्द मिटा दो। फल वाले ने यहाँ शब्द मिटा दिया। कुछ देर बाद दूसरा ग्राहक आया और उसने कहा, हमें यहाँ बताने की जरूरत नहीं है कि फल बेचे जाते हैं, ताजे फल बेचना तो स्वाभाविक है, ताजे शब्द हटा दो। फल वाले ने ताजे भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर बचा था फल बेचे जाते हैं। इसके बाद तीसरा ग्राहक आया और उसने कहा, तुम्हारे पास फल है ये तो हमें दिख रहा है, फल शब्द रखने की क्या जरूरत है। फल वाले ने फल भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था बेचे जाते हैं। तभी चौथा ग्राहक आया और उसने कहा, ये तो स्वाभाविक है कि तुम बेचने के लिए ही बैठे हो, मुफ्त में तो नहीं बांट रहे, बेचे जाते हैं जो तुमने लिख रखा है इसे हटा दो। बेचारे फल वाले ने वो शब्द भी मिटा दिए और अब बोर्ड पूरी तरह से खाली हो गया। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया और उसने कहा, तुमने बोर्ड पर कुछ लिखा क्यों नहीं है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि लोगों को जानकारी देना चाहिए। मित्रों, ये कहानी हमें बताती है कि हर इंसान की अपनी राय होती है और लोग दूसरों को सलाह देने में बड़े माहिर होते हैं। अगर हम हर किसी की बात मानते जाएं तो अंत में हम अपना नजरिया और निर्णय लेने की शक्ति खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो, गलती होने का डर मत रखो, क्योंकि गलतियों से ही अनुभव मिलता है। अगर आप हारते हैं तो वो हार भी आपको भविष्य की जीत के लिए तैयार करती है। इसलिए दूसरों की राय सुने अवश्य, लेकिन अपनी सोच को प्राथमिकता दें। सबसे बड़ा रोग यही है कि हम सोचें लोग क्या कहेंगे। याद रखें, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो अपने रास्ते से भटक जाएंगे। अपने कर्म में निडर होकर आगे बढ़ें और सफलता की ओर बढ़ते जाएं। श्रीमद् भगवद गीता का 48वां अनमोल वचन हमें सिखाता है कि आलस्य सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति आलस्य में डूबा रहता है वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अक्सर लोग बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें बड़ा घर चाहिए, शानदार गाड़ी चाहिए, पूरी दुनिया घूमनी है, लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करने से कतराते हैं। केवल इच्छाएं करना आसान है, लेकिन उन पर काम करना और अपने कर्मों से उन्हें साकार करना बहुत ही मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर फिट हो, लेकिन इसके लिए नियमित रूप से व्यायाम करना पड़ता है, जो कोई और नहीं बल्कि आपको ही तो करना होगा। जो व्यक्ति सिर्फ सोचता रहता है लेकिन मेहनत नहीं करता, उसे ना तो एक अच्छा शरीर मिलता है और ना ही एक संतोषजनक जीवन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य ना केवल अपने सपनों को दूर कर देता है, बल्कि वो चीजें भी छीन लेता है जो पहले से आपके पास है। अगर आप सफलता, सुख और संतोष पाना चाहते हैं तो अपने आलस्य को पूरी तरह से त्याग दीजिए। मेहनत करने का कोई विकल्प नहीं है। अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। याद रखें, जो आलसी है वो ना केवल जीवन में पिछड़ता है बल्कि अपने आत्मविश्वास और सम्मान को भी खो देता है। इसलिए कर्मशील बने और आलस्य को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर करें। श्रीमद् भगवद गीता का 49वां अनमोल वचन सिखाता है कि जो आपके साथ अधर्म करता है उसका सामना करना और उसे उचित दंड देना आवश्यक है। अधर्म और अन्याय को सहना स्वयं पाप के भागीदार बनने के समान है। जब आप अत्याचार को चुपचाप सहते हैं तो आप ना केवल अपनी कमजोरी का परिचय देते हैं बल्कि उस व्यक्ति को और अधिक गलत करने का प्रोत्साहन भी देते हैं। महाभारत के युद्ध में पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वो अपने ही परिवार, गुरुजनों और भाइयों के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, वे पाप का समर्थन कर रहे हैं। यदि तुम इनके खिलाफ खड़े नहीं हुए और इन्हें नहीं रोका तो समाज में पाप और बढ़ जाएगा। ये उपदेश हमें समझाता है मित्रों कि जब भी हमारे साथ कोई अन्याय करता है या हमें चोट पहुंचाता है और हम चुपचाप सह लेते हैं तो ये उसके गलत कार्यों को बढ़ावा देता है। वो व्यक्ति आपको कमजोर समझने लगता है और अपने अत्याचारों को अपना अधिकार मान लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्याय का सामना करना और उसका विरोध करना न केवल आपका अधिकार है
बल्कि ये आपका कर्तव्य भी है। जब आप अत्याचारी के अधर्म को रोकते हैं तो आप उसे उसकी सीमा में रहना सिखाते हैं। कलयुग के समय में अपनी सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। कोई और आपकी रक्षा करने नहीं आएगा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अन्याय को सहने के बजाय उसका डटकर सामना करें। याद रखें, अधर्म का विरोध करना भी धर्म का एक हिस्सा है। इसलिए अपने आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा करें और जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहें। श्रीमद् भगवद गीता का 50वां अनमोल विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो अंततः हमारे भले के लिए ही होता है। चाहे वो वर्तमान हो, अतीत हो या भविष्य हो, हर घटना का एक उद्देश्य होता है। ये शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे स्वीकार करना और अपने जीवन में लागू करना कठिन हो सकता है, खासकर तब जब हम दुख, कष्ट या अन्याय का सामना कर रहे होते हैं, जब हमारे जीवन में किसी अपने द्वारा हमें चोट पहुंचाई जाती है या हमारे साथ कुछ अनुचित होता है तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया टूट गई है। उस समय ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, ये सब हमारे भले के लिए हो रहा है। लेकिन ये सच है कि जीवन की यही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने आती हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं। ये स्थिति उस बच्चे की तरह होती है जिसे उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चा उस दवाई को पसंद नहीं करता, लेकिन वही दवा उसकी बीमारी को ठीक करती है। ठीक उसी प्रकार जीवन के कड़वे अनुभव भी हमें विकसित करते हैं, भले ही उस समय वे हमें बुरे और असहनीय लग रहे हों। जीवन की हर घटना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमें ये सिखाती है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। कठिन परिस्थितियां हमें सच्चाई के करीब ले जाती हैं और जीवन के असली अर्थ से परिचय करवाती हैं। ये सच्चाई तब तक पूरी तरह समझ में नहीं आती जब तक हम खुद उन अनुभवों से नहीं गुजरते। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। हमें उस उद्देश्य को समझने के लिए समय, धैर्य और एक दृढ़ विश्वास की आवश्यकता होती है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, इसे अपने विकास का हिस्सा माने। ये दुख और कठिनाइयां हमें केवल मजबूत और अधिक सक्षम बनाती हैं। जीवन की हर घटना में ईश्वर की योजना को स्वीकार करें, क्योंकि अंत में ये हमारे भले के लिए ही होती है। श्रीमद् भगवद गीता का 51वां अनमोल संदेश ये सिखाता है कि बुरे स्वभाव वाले लोग अपने बुराइयों को कभी नहीं छोड़ते, चाहे आप उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना कर ले। ऐसे लोग आपको परेशान करना नहीं छोड़ते, इसलिए आपको हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। बुरे इंसान के साथ चाहे आप कितने भी अच्छे बन जाएं, वो अपनी आदतों को बदलने वाले नहीं होते। उदाहरण के लिए दुर्योधन का प्रसंग हमें यही शिक्षा देता है कि जब वो जंगल में पांडवों को मारने के इरादे से गया था तो वहां उसे भीलों ने पकड़ लिया। उस कठिन समय में उसका सबसे करीबी मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। भील तो उसे मारने पर ही उतारू हो गए, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने भाई के रूप में दुर्योधन की जान बचाई। इसके बावजूद दुर्योधन ने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी और हमेशा पांडवों को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बुरे स्वभाव का है तो उसके साथ बहुत अधिक अच्छा बनने की कोशिश ना करें। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। यही व्यवहारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने का तरीका है। श्रीमद् भगवद गीता का 52वां अनमोल संदेश हमें यह सिखाता है कि कभी भी अपने धन, पद या ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को अपने सामर्थ्य पर इतना घमंड था, उसे विश्वास था कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के समर्थन से वह पांडवों को आसानी से हरा देगा। दुर्योधन को अपने धन, शक्ति और पद का घमंड था, लेकिन यही घमंड उसकी विनाश का वजह बना। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने पैसे या ताकत के घमंड में दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी वही गलती एक दिन उन्हें बर्बाद कर देती है। इसलिए चाहे आप जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं या कितनी भी शक्तिशाली बन जाएं, अहंकार से बचना बेहद जरूरी है। विनम्रता ही सच्ची महानता का प्रतीक है। अपना पद और संपत्ति दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनके भले के लिए उपयोग करें। यही जीवन में सफलता और सम्मान पाने का सही मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का 53वां अमूल्य संदेश ये है कि संसार में जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे वे हमें अच्छी लगे या बुरी, उनके पीछे हमेशा कोई ना कोई कारण होता है और वो अंततः हमारे भले के लिए ही होता है। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन समय बीतने पर हमें समझ में आ जाता है कि जो हुआ वो हमारे अच्छे के लिए ही तो हुआ। एक गांव में एक गरीब महिला के साथ ऐसा ही एक अद्भुत अनुभव हुआ।
उसके घर एक स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा उसका एकमात्र सहारा था। लेकिन एक दिन दुर्घटना में उसके बच्चे की एक उंगली कट गई। वो महिला बेहद दुखी हुई और बार बार भगवान को दोष देने लगी कि उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। कुछ समय बाद उस गांव में एक साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो बच्चों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसने उस महिला के बच्चे को भी उठा लिया, लेकिन बलि के समय उसे अपने गुरु की दी हुई शर्त याद आ गई। जिस बच्चे की बलि चढ़ानी हो उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। चूंकि उस बच्चे की एक उंगली कटी हुई थी, इसलिए राक्षस उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। उस दिन उस माँ को एहसास हुआ कि जो उसने एक बार भगवान पर क्रोध किया था वो गलत था। यदि उसके बच्चे की उंगली नहीं कटी होती तो वो राक्षस उसे मार डालता। उस पल उसने भगवान को तहे दिल से धन्यवाद किया और समझा कि भगवान की हर योजना हमारे भले के लिए होती है, भले ही वो शुरुआत में कष्टदायक क्यों न लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करना चाहिए। समय के साथ हमें हमेशा यह पता चलता है कि जो होता है वो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 54वां अनमोल वचन हमें सिखाता है कि मुश्किल समय में जो व्यक्ति आपका साथ देता है वही आपका सच्चा अपना होता है। दुनिया में अपनेपन का दिखावा करने वाले बहुत से लोग होते हैं जो केवल बातों में बड़े बड़े वादे करते हैं। वे हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब जीवन में सच में कठिन समय आता है ना, तभी पता चलता है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन केवल दिखावा करता है। कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे कि कभी भी परेशानी हो तो याद कर लेना मुझे, लेकिन असल में जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो वे दूर भाग जाते हैं। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ को देखते हैं। जब उन्हें लगता है कि आपसे उन्हें कुछ लाभ हो सकता है तो वे आपके करीब आते हैं, लेकिन जैसे उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उन्हें आपकी मदद करनी पड़ेगी और बदले में कुछ नहीं मिलेगा, वे आपका साथ छोड़ देते हैं। जीवन की यही तो सच्चाई है कि सच्चे रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बनते बल्कि कर्मों से परखे जाते हैं। जो व्यक्ति आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे वही वास्तव में आपका अपना होता है। बाकी लोग तो बस नाम के रिश्ते निभाते हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों की पहचान करें जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हों, क्योंकि वही लोग आपके सच्चे अपने होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 55वां उपदेश ये है कि जिंदगी में कभी भी खुद को किसी का मोहताज या जरूरतमंद ना बनाएं। जब तक आप आत्मनिर्भर रहते हैं कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता और ना ही आपको दुख पहुंचा सकता है। लेकिन जिस दिन आप किसी के जरूरतमंद बन जाते हैं उसी दिन से आप उसकी दया पर निर्भर हो जाते हैं और वो इंसान आपकी कमजोरी का फायदा उठाने लग जाता है। देखा गया है कि जब लोग अपने नौकरों या काम वाली भाइयों के जरूरतमंद बन जाते हैं तो वे उनका हर गलत व्यवहार सहने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि काम उनके बिना नहीं चल सकता। लेकिन जब उन्हें यह पता चलता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं या आपके पास और भी विकल्प हैं, तो वे आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। इसी तरह यदि आप ऐसे नौकरी में हैं जहाँ बॉस के गलत व्यवहार को सहते रहते हैं तो वो ये समझ लेता है कि आप उसके ज़रूरतमंद हैं और इसका पूरा फायदा उठाता रहता है। यहाँ तक कि अगर आप अपने परिवार में भी किसी के ज़रूरतमंद हैं तो वो आपके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। लोग ऐसे हालात का फायदा उठाकर आपको अपने कंट्रोल में रखते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। ज़रूरतमंद होना सिर्फ शारीरिक या आर्थिक मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मानसिक ज़रूरतों से भी जुड़ा होता है। अकेलेपन का डर हमें ऐसे लोगों से जोड़ देता है जो हमारी भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। हम उनसे खुशी पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे हमारी जिंदगी को और अधिक तकलीफ देह बना देते हैं। याद रखें, माता पिता को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपका भला चाहे बिना आपसे कोई स्वार्थ साधे। इसलिए खुद को हर स्थिति में आत्मनिर्भर बनाइए। जरूरतमंद होना चाहे किसी भी स्तर पर हो आपकी स्वतंत्रता और खुशहाली को ही छीन लेता है। जीवन में अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता को बनाए रखना ही सच्ची स्वतंत्रता और शांति का रास्ता है। श्रीमद् भगवद गीता का 56वां वचन हमें सिखाता है कि कुछ भी कहने से पहले अपने शब्दों पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, अगर महाभारत के प्रमुख पात्र अपनी वाणी पर संयम रखे होते तो शायद महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध कभी नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि द्रौपदी ने दुर्योधन को ऐसा ना कहा होता कि अंधे का पुत्र अंधा, तो घटनाएं शायद अलग ही दिशा में जाती।
इस तरह शिशुपाल और शकुनी की चुभती हुई बातें अक्सर विवादों को जन्म देती थी। शब्दों का प्रभाव इतना गहरा होता है, ये केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। एक तीर का घाव समय के साथ भर सकता है, लेकिन कठोर शब्दों का घाव जीवन भर तकलीफ देता है। इसलिए बोलने से पहले हजार बार सोचें, अपनी वाणी को ऐसा बनाएं जो प्रेरणा दे ना कि आहत दे। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, इन्हें सोच समझ कर चुनें और मर्यादा में रह कर बोलें। यही संतुलन जीवन में शांति और संबंधों में मधुरता लाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 57वां वचन ये बताता है कि जिस व्यक्ति को आप अत्यधिक महत्व देते हैं वही अक्सर आपको महत्व ही नहीं देता। आपने गौर किया होगा कि आपका अपमान वही लोग करते हैं जिन्हें आप सबसे अधिक मानते हैं और जिनके लिए आप हद से ज्यादा समर्पित हो जाते हैं। दूसरों को इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा सम्मान देते हैं तो उनकी नजर में आपकी अहमियत कम हो जाती है। यही कारण है कि हमें कभी भी किसी को यह महसूस नहीं कराना चाहिए कि वे हमारे जीवन का सब कुछ है। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं उनके लिए आप महत्वहीन हो जाते हैं। इसलिए लोगों को सम्मान हमेशा उनकी काबिलियत और स्वभाव के अनुसार देना चाहिए, ना कि हद से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा इज्जत देना अक्सर आपकी ही बेइज्जती का कारण बनता है। जीवन में संतुलन बनाए रखें। सम्मान देना और लेना दोनों एक सीमा के भीतर ही सही लगता है। ये ना केवल आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है बल्कि रिश्तों में भी एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखता है। श्रीमद् भगवद गीता का 58वां अनमोल संदेश ये है कि सच्ची सफलता वही है जब कोई व्यक्ति अंदर से खुश और संतुष्ट रहता है। बाहरी खुशी तो हर कोई दिखा सकता है, लेकिन असली खुशी वही होती है जो हमारे मन और आत्मा से आती है। आज के समय में हम खुशी पाने के लिए पूरी जिंदगी भौतिक वस्तुओं जैसे कि धन, गाड़ी और बंगलों के पीछे भागते रहते हैं। हमें लगता है कि इन चीज़ों को हासिल करने से हमारी सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी और हम खुश हो जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि इन चीज़ों से मिलने वाली खुशी कुछ समय के लिए ही होती है। जैसे ही हम एक चीज़ पा लेते हैं हमारा मन तुरंत अगली चीज़ के पीछे भागने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची खुशी पाने के लिए इच्छाओं को नियंत्रित करना और त्याग करना आवश्यक है। जब हम अपनी कामनाओं को छोड़कर ईश्वर की भक्ति और आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं तब हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख को समान दृष्टि से देखता है और अपनी आत्मा में शांति प्राप्त करता है वही असली मायने में सफल और संतुष्ट होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 59वां अनमोल वचन हमें सिखाता है कि जन्म और मृत्यु की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जिसे ना बदला जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है। ये शरीर मात्र एक अस्थायी निवास है लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो कुछ होना है उसे कोई नहीं टाल सकता और जो नहीं होना है उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। जन्म लेने वाले की मृत्यु और मरने वाले का पुनः जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल सत्य है उसके लिए शोक करना हमारी समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता है। सच्चाई को स्वीकार करना ही वास्तविक समझदारी है, जबकि झूठ में जीना सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमारे व्यक्तिगत विचार अक्सर गलतफहमियां पैदा कर सकती है और इन्हें दूसरों पर थोपना ठीक नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वासना, क्रोध और लालच नरक के तीन द्वार होते हैं और इनसे बचकर ही हम जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। संकटों का सामना करते हुए वीरता से अपने धर्म का पालन करें, क्योंकि जैसे अग्नि सोने को शुद्ध कर देती है वैसे ही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। यदि आप धर्म और निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर चलेंगे तो परिणाम की चिंता किए बिना जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का 60वां अनमोल संदेश ये है कि अत्यधिक मीठे बोलने वाले और जरूरत से ज्यादा तारीफ करने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग अक्सर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही ऐसा करते हैं। लोग आपकी तारीफ तभी करते हैं जब उन्हें आपसे कोई काम निकालना होता है। तारीफ कभी भी मुफ्त में नहीं की जाती और इसके पीछे हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है, चाहे वो व्यक्तिगत लाभ हो या कोई स्वार्थ। आपको इसके लिए किसी न किसी रूप में कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति हद से ज्यादा आपकी तारीफ करे या मीठी बातें कहें तो सतर्क हो जाएं, उनके असली इरादों को समझने की कोशिश करें। सच्चे मित्र और हितैषी वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपको सही सलाह देते हैं
पर आपके साथ खड़े रहते हैं। मीठे शब्दों और झूठी प्रशंसा से प्रभावित होकर अपने निर्णय ना लें। जीवन में बुद्धि का इस्तेमाल करें, सतर्क रहें, यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। श्रीमद् भगवद गीता की 61वां अनमोल वचन ये सिखाता है कि जीवन में अपने कर्मों पर ध्यान देना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता और असफलता की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। मित्रों, हमें से बहुत से लोग परिणाम के डर से अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन याद रखें, असली वीरता और साहस वही है जब हम बिना किसी भय के अपने कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब आप केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फल की चिंता नहीं करते तो आपका मन शांत रहता है। मित्रों, ये सीख हर परिस्थिति में मददगार है। चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हो, या किसी जीवन के निर्णय लेने में उलझ गए हो, बस अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। मित्रों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा भला हो। धन्यवाद।